उपदेशक की पोथी अध्याय 7 जीवन संबंधी विचार। चंगा ना कमाउणा बहुमुल्ले सुगंध तेल नालों चंगा है अते मरन दिन जन्म दिन तो चंगा है। सोग वाले घर जाना खुशी वाले घर जाण तो चंगा है क्योंकि सब दा अंत मौत है अते उथे ज्योंदा अपने अंत बारे सोचता है। खुशी नालों सोग चंगा है क्योंकि बेशक चेहरा इस नाल दुखी दिखता है पर दिल नूं इस तो तसल्ली मिलती है। बुद्धिमान मनुख दा दिल सोग वाले घर वल लगा रहिंदा है पर मूर्ख दा दिल ऐश वाले घर वल लगा रहिंदा है। बुद्धिमान दी झाड़ सुनना मूर्ख दे महिमा भरे गीत सुनन नालों चंगा है। मूर्ख दे हसण दी आवाज पतीले हेठ वालन वाले कंडियां दी आवाज वांग है सो ए व्यर्थ है। बुद्धिमान दा किसे ते अत्याचार करना मूर्खता है अते उस दा किसे नूं वड्डी देना अपना चरित्र खराब करना है। किसे चीज दा अंत उस दे आरंभ नालों चंगा है अते धीर जवान हंकारी नालों चंगा है। छेती क्रोधित ना होवो क्योंकि गुस्सा तां मूर्ख दा साथी है। इस तरह ना कहो पुराने दिन वर्तमान दे दिनां तों चंगे सन इस तरह केवल मूर्ख कहिंदे ने। जीवन वाले लई बुद्धि दा होना चंगा है इह विरसा मिलण दे बराबर है। बुद्धि धन दे वांगू सुरक्षा दिंदी है क्योंकि उह तुहानूं सुरक्षित रखदी है। इही समझ दा लाभ है। परमेश्वर दे कम्मां उत्ते विचार करो जिस नूं परमेश्वर ने विंगा बनाया है उस नूं कौन सिद्धा कर सकदा है। जदों तेरे ते चंगे दिन आउण तां आनंद कर अते जदों माड़े दिन आउण तां इह याद रख कि परमेश्वर सुख ते दुख दोवां दा घलण वाला है। कोई मनुख नहीं जाण सकदा कि उस नाल अगे की होवेगा। मेरा जीवन व्यर्थ है जिस विच मैं इह वी देखिया है कि मनुख अपने भले होण ते भी मर जांदा है पर दुष्ट अपनी दुष्टता दे विच वी वाधा फुलदा है। इसलिए तू ना बहुत भला बण अते ना ही बुद्धिमान इस तरह करन ते तू अपने आप नूं नाश ना कर। तू ना अधिक दुष्टता कर अते ना ही मूर्खता। इस तरह करन द्वारा तू अपने आप नूं समय तो पहला मौत दे मूंह विच ना कर दे। सो तू इन्हां दोहां पक्खां वल अधिक ना बध। जो मनुख डरदा है वो इन्हां सब कठिनाइयां उत्ते सफलता प्राप्त करदा है। बुद्ध एक मनुख नूं शहर विच रह रहे दसां शासकां नालों भी अधिक शक्तिशाली बनाउंदी है। धरती उत्ते कोई इहो जिहा भला आदमी नहीं है जो कदी पाप नहीं करदा। लोग हमेशा तेरे बारे जो कहन उस उत्ते ध्यान ना दे। हो सकदा है कदी तेरा नौकर भी तेरा अपमान करे पर उस समय याद कर किन्नी ही वार तू कई लोकां दा आप अपमान कीता है। इसलिए सब नूं मैं आप अपनी बुद्धि नाल परख चुका हाँ। मैं एक कहा कि मैं बुद्धिमान बनांगा पर बुद्धि मेरे तो दूर ही रही। जीवन दे डूंगे अर्थां नूं कौन समझ सकता है। इस दे अर्थ असल विच बहुत ही डूंगे हन जिस नूं समझना बहुत ही कठिन है पर मैं बुद्धि नूं जानन दी पूरी कोशिश कीती अते ए भी कि सब दा सार की है तां जो मैं जाना कि दुष्टता ते मूर्खता केवल अधर्म अते पागलपन हन। मैं मौत तों वी कड़वी चीज दी जानकारी प्राप्त कीती अर्थात औरत। औरत दा प्यार तेरे लई फंदे जां जाल दे विच फसण दे बराबर है। उस दीआं बाहां तेरे गिरद जंजीरां हन। पर जो आदमी परमेश्वर नूं खुश रखदा है वह बच सकदा है पर वह एक पापी नूं जकड़ लैंदी है। उपदेशक दा कहना है कि इन्हां सब दी जानकारी एक एक करके प्राप्त कीती है जदों मैं जीवन प्रश्नां दे उत्तर लभ रहा सां। मैं होर इस दे उल्ट लभण दी कोशिश कीती पर वह मैनूं ना मिल सकिया।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।